असली है बिहारी गुंडा नहीं गौरव हैं। बिहारी एक बिहारी सौ पर भारी सब दिन से हम लोग कहते आए हैं। सबसे अधिक आईएएस देश में बिहारी है। बिहार भारत का इतिहास बिहार के बिना अधूरा है। स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो बिहार के लोगों से माफ़ी मांगे नहीं तो दिल्ली में रह रहे बिहारी उनसे बदला लेंगे और उनको जीना दुभर कर देंगे। बिहारी अस्मिता पर सवाल खड़ा करके वो अपना परिचय दी है। टीएमसी गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी करके जीती है। बिहारी गौरव है देश का। बिहारी बोझ उठाता है, बोझ नहीं है। संपूर्ण भारत के प्रगति उन्नति में बिहारियों का योगदान है। सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहारी हैं। वो माफ़ी मांगे नहीं तो दिल्ली में रह रहे बिहारी उनका ईंट से ईंट बजा देगा, उनका जीना दुभर कर देगा। वो अपमान का हम लोग बदला लेना भी जानते हैं। गुंडा टीएमसी गुंडों की पार्टी है और उन्होंने बता दिया कि हम गुंडा गर्दी करके ही बंगाल में चुनाव जीते हैं। वो माफ़ी मांगे नहीं तो दिल्ली के बिहारी जा करके उसके डेरा को ईंट से ईंट बता देंगे। वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे। हम अपने पार्टी की तरफ से और बिहार वासियों से के तरफ से मैं कहूँगा कि बिहार का अपमान हम नहीं सहेंगे, बिहारियों का अपमान नहीं सहेंगे। इसलिए ममता दीदी अपने सांसद पर कार्रवाई करें और वो बयान वापस उनको लेना पड़ेगा। और अगर यह देश है, ये बिहार है तो यह देश है, क्योंकि बिहार की देश की आज़ादी बिहार से मिली थी, बिहार से आंदोलन शुरू हुए थे, तब जाकर देश आज़ाद हुआ था। अगर बिहारी जिस दिन ये कसम खा लेंगे कि हम अपने बिहार छोड़कर किसी प्रदेश में कमाने नहीं जाएंगे तो हर प्रदेश भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। भाई देखिए, मैं तो महिला का बहुत सम्मान करता हूं और बिना महिला के न तो हम और आप कोई भी धरती पर नहीं आ सकते। और वो भगवती की भी रूप होती हैं, माता माँ भी होती हैं, बहन भी होती हैं, तो उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और व्यक्तिगत कोई गलत बोलता है तो उसको उसके व्यक्तिगत पर आक्षेप लगाइए। पूरे बिहारी गुंडे होते हैं, यह कहना बिल्कुल गलत है। और इस तरह से वो बोली है तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर वो उनका दिमाग ही खराब हो गया तो डॉक्टर से इलाज करा। बिहारी अस्मिता पर सवाल उठाया सर, उन्होंने बिहारियों को गुंडा बता दिया। इसलिए तो मैंने कहा कि उनको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। महिला बहुत सम्मानित होती है, उनको अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला है तो उनको खेद व्यक्त करना चाहिए पूरे बिहार की जनता से। सदन में उठेगा? नहीं, सदन में उठाने का मतलब ही नहीं। जिनको बोला है, अभी मैंने किसी ने पूछा कि निशिकांत को बोला है, तो निशिकांत जी पे सांसद है हमारे, तो वो लोकसभा में पहले उठा लें, अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी उठाएंगे। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें बहुत अच्छी है सदन में उठाने का, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। सर एक मिनट सर, सर 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 स